क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों ही फॉर्म में इंडियन टीम का कमबैक देखने लायक था। और कृणाल पांड्या का तो कहना ही क्या, कृणाल तो शुरुआत से ही गजब के कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। कृणाल ने अपने पहले ओवर में ही कमाल कर दिया। कृणाल ने 1 ओवर में 2 विकेट झटक कर कीवी टीम की कमर को पूरी तरह तोड़ दिया। कृणाल ने 4 ओवर बॉलिंग की और 28 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। कृणाल अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत मैन ऑफ द मैच भी रहे। कृणाल जब अपना अवार्ड लेने आए तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। कप्तान रोहित और बॉलर्स के कप्तान धोनी की जमकर तारीफ की। कृणाल ने कहा, मुझे मैच की शुरुआत में ही धोनी और रोहित भाई ने अहम जिम्मेदारी दी थी और मुझे खुशी है कि मैं उनके दिए काम को पूरा कर पाया। कृणाल ने कहा, रोहित भाई मैच से पहले काफी मोटिवेट करते हैं। वो पिछले मैच से सबक लेकर आगे का प्रदर्शन बेटर बनाने पर जोर देते हैं, जबकि धोनी भाई ज्यादा नहीं बोलते मगर उनकी नजरें हमेशा हर बॉलर पर रहती है। वो हमारी पिछली सारी गलतियों का पूरा डिस्क्राइब करते हैं और हर ओवर से पहले बॉलर्स को बहुत कुछ समझाते भी हैं। कृणाल ने आखिर में कहा, मैं जहां आज हूं उसके पीछे मेरी मेहनत तो है ही, साथ ही कप्तान रोहित का साथ और धोनी भाई के गुरु मंत्र भी उसमें अहम है। इन दोनों के बिना ही मेरा प्रदर्शन कभी भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। कृणाल ने कहा, अब तीसरे मैच में दोनों की उम्मीदों पर एक बार फिर से खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।